अभी धर्म प्रेमी महानुभाव को कोटि कोटि नमन। मैं गंगा सागर से क्रिया योग आश्रम के अध्यक्ष गिरीश सुरेश स्वामी सभी को आदर पूर्वक सम्मान सहित जगन्नाथ का रथ यात्रा के लिए निमंत्रण करते हैं। क्रिया योग आश्रम गंगा सागर 1984 पे हमारा ब्रह्मलीन स्वामी जी स्वामी प्रेमानंद गिर महाराज प्रतिष्ठा किए थे और वो क्रिया योग परंपरा से दीक्षित होने के पश्चात वो पुरी से आए हुए थे, इसलिए गंगा सागर में उन्होंने हमारा जो क्रिया योग परंपरा है वो अंतर्मुखी परंपरा है, लेकिन उन्होंने आज बिकॉज पुरी से आए हुए थे इसलिए जगन्नाथ का मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठा किए। और जगन्नाथ का मंदिर प्रतिष्ठा करने के समय में मैं उनको एक क्वेश्चन भी किया था एग्जैक्टली वो जब थे महाराज कि हमारा जो मेडिटेशन का प्रक्रिया है वो तो वहाँ पे एग्जैक्टली हम निराकार परम ब्रह्म को तो साधना करते हैं लेकिन यहाँ पे साकार जो यहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठा हुआ है उसका क्या एग्जैक्टली तात्पर्य है। उन्होंने सरल भाषा में वही बोले थे मेरे को, एक आज वही मेरा मन में मेरा हृदय में बैठा हुआ है। उन्होंने एक शब्द बोले थे, रथे तो वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। हम जैसे भगवान जगन्नाथ को रथ के अंदर देखते हैं, हमारा शरीर के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है वही ये जो रथ है, इस रथ के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है उसको दर्शन से पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन उसी भाव से हम जब एग्जैक्टली जगन्नाथ को निराकार परम ब्रह्म जो बोला जाता है लेकिन उसको उपलब्धि करने के लिए ये रथ यात्रा नंदीघोष का रथ यात्रा का उत्सव पालन करते हैं। और सबसे महान जो बात है इसमें, हमारा जो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार हम बहुत जगह पे देखते हैं जो भेद जाति भेद है, लेकिन अगर हम जगन्नाथ संस्कृति में देखेंगे जगन्नाथ उसी दिन रथ पे विराजमान करते हैं और उसी दिन कोई भी धर्म कोई भी जाति का मनुष्य उनको दर्शन कर सकता है। और दृष्टांत है यहाँ पे पुरी का जगन्नाथ पे दृष्टांत है, जबकि मुसलमान के लिए जगन्नाथ का रथ एक दिन अटका था और किसी चीज के लिए कोई मंत्री कोई किसी के लिए जगन्नाथ का रथ अटका कभी अटका नहीं था, लेकिन जगन्नाथ खुद वेट किए थे जब एग्जैक्टली एक मुसलमान भक्त वो आ नहीं पा रहा था, वो आने के लिए प्रतीक्षा किए थे जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ संस्कृति का वैशिष्ट है कि सबको एक भाव से सबके अंदर वही परम ब्रह्म पतितपावन को दर्शन करना। तो हम सौभाग्यवान है कि प्रेमानंद महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित क्रिया योग आश्रम में जो गंगा सागर में ये जगन्नाथ का जो संस्कृति है जगन्नाथ का मंदिर है उसका जो नंदीघोष रथ यात्रा इस 2023 में हमारा जून वो 20 तारीख में हमारा पड़ रहा है। तो आप सभी को हम जितने भी यहाँ पे धर्म प्रेमी है जो कि आत्मिक कल्याण के लिए आप सभी उस नंदीघोष के रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हम आंतरिक हृदय से गिरी सूर्य स्वामी उस आश्रम का अध्यक्ष होते हुए हम सभी को निमंत्रण करते हैं। और पहले अगर आप बताएं थोड़ा सा पहले बता देंगे तो ताकि जो हमारा जो अकोमोडेशन है उसको हम गंगा सागर में कहीं पे भी बहुत सारे आश्रम मठ है, हमारे आश्रम में तो सीमित लोगों का लिए हम कर सकते हैं व्यवस्था, लेकिन पहले बताने से हम सुचारू रूप से सबको जैसे अकोमोडेट कर सकते हैं उसके लिए एग्जैक्टली हम प्रयत्न करेंगे। और अगेन एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू कन्वे ऑल माई ग्रेटिट्यूड टू विश्वरंजन जी एग्जैक्टली जो कि यहाँ पे जिनके पास हम यहाँ पे आए हुए हैं और उनके माध्यम से आप सभी लोगों को ये निमंत्रण जो कि पहुंचेगा और हम इसलिए उनके पास आभारी है। और जगन्नाथ जो कि सबका नाथ है सबका प्राणनाथ है तो उनको ये सबका भगवान होते हुए हम सिर्फ गंगा सागर का या क्रिया योग आश्रम का नहीं बोलेंगे, ये आप ही का भगवान है और आपका भगवान का पूजन करने के लिए तथा उनका नंदीघोष का रथ यात्रा के लिए सभी अपना सोच के एग्जैक्टली जाके सम्मिलित होने के लिए हमें सबको धर्म प्रेमी को हम विनम्र भाव से अनुरोध करते हैं आप सभी वहां पे पहुंच के अपने खुद का आत्मिक कल्याण कर कीजिए। धन्यवाद। हरी ओम।